हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना लेक्चर हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है वो हमने देख लिया था। रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा का फॉर्मूला निकाला था हमने, कंडक्टिविटी वगैरह क्या होती है वो हमने देखा था। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। तो देखो, रो इक्वल्स टू क्या है, अपन लिख सकते हैं रो एल बाई ए। यहाँ पे जो रो होता है इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। एंड जो आर होता है इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलरली क्या होता है, जो वन बाई रो होता है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा, विच इज़ नथिंग बट कंडक्टिविटी। और जो वन बाई आर होता है उसको जनरली जी से अपन रिप्लेस करते हैं और इसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। नाउ आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमने देखा कि जो कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये कोई भी रेजिस्टेंस है उसकी कलर कोडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, कोई भी रेजिस्टेंस होता है उसमें टोटल चार कलर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी फोर कलर्स। जो फर्स्ट एंड सेकंड कलर है, फर्स्ट एंड सेकंड कलर जो होता है वो क्या बताता है अपने को, फर्स्ट टू डिजिट, फर्स्ट टू डिजिट्स, ओके। एंड जो थर्ड कलर होता है, थर्ड कलर होता है वो क्या बताता है अपने को, मल्टीप्लाई। अभी हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे क्या होता है। एंड जो फोर्थ कलर होता है ये अपने को बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली एरर, कि भैया कितना एरर हो सकता है। नाउ ये जो कलर हैं, कलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 3.2, पेज नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट चैप्टर 3 में टेबल नंबर 3.2 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपने वो कुछ कलर कोड्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक कलर अगर है तो उसका जो कलर कोड है उसका जो नंबर है वो है 0, और उसका जो मल्टीप्लायर है, दिस इज नंबर एंड दिस इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर है 1। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अगर ब्लैक कलर, थर्ड कलर अगर ब्लैक हुआ तो उसका जो मल्टीप्लायर है वो अपन 1 यूज़ करेंगे। अगर ब्राउन कलर होता है तो नंबर क्या यूज़ करना है, 1, और मल्टीप्लायर इसका हो जाएगा 10^1। तो इसी तरीके से लेट से एक कलर लेते हैं अपन, लेट से ग्रीन। ग्रीन का नंबर क्या है, 5, एंड मल्टीप्लायर है 10^5। और एक कलर अगर अपन ले लें, लेट से गोल्ड ले लिया मैंने, गोल्ड कलर है, तो गोल्ड कलर के लिए हमारे पास नंबर कुछ नहीं होता, गोल्ड कोई नंबर सिग्निफाई नहीं करता है। जो मल्टीप्लायर है वो होता है 10^-1, और इसका जो टॉलरेंस है दैट इज 5%। इस 5% का मतलब क्या है, 5% एरर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसमें हो सकती है। तो लेट से एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसका। लेट से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, लेट से एक रेजिस्टेंस है, ऐसा एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इसका जो फर्स्ट कलर है, ये जो फर्स्ट कलर है दैट इज लेट से ब्राउन, सेकंड कलर है वो मान लेते हैं अपना है ग्रीन, थर्ड कलर जो है वो भी मान लो ग्रीन है, एंड फोर्थ कलर जो है वो गोल्ड है। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, देखो हमने क्या बोला था, फर्स्ट टू कलर्स जो होते हैं ये क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राउन कलर का कौन सा नंबर है, 1, तो मैं सिंपल 1 लिख दूंगा। ग्रीन कलर का कौन सा नंबर है, 5, तो मैं 15 लिख दूंगा। नाउ इसके बाद में जो थर्ड वाला कलर होता है ये क्या है, मल्टीप्लायर, मतलब इसको अपने को जो भी ये नंबर बना है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ग्रीन का मल्टीप्लायर कौन सा है, 10^5, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाई 10^5।
एंड यहाँ पे प्लस माइनस मुझे क्या करना है, 5%, प्लस माइनस 5% करना है मेरे को। 5% किसका होगा भैया, इस वैल्यू का होगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 × 10⁵ प्लस माइनस 15 × 10⁵ × 5 × 5/100 ओम्स, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको अब कैलकुलेट आगे कर सकते हैं अपन। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट 10 15 × 10⁵ प्लस माइनस, यहाँ से 5 को काटिए तो 5 × 3 = 15, यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा, फिर 5 को काटेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। दिस विल बिकम 0.75 × 10⁵ ओम, दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस तरीके से अपने को आंसर निकालना है। नाउ हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है ना। सो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये चीज़ अपने को देखनी है। तो गाइज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो अपने को याद रखना है। सो रो एट एनी टेम्परेचर टी इक्वल्स टू होता है रो नॉट इंटू 1 + α T - T0। ये अपना फॉर्मूला है, इसको याद रखें। रो टी क्या है यहाँ पे, रो टी है इट्स नथिंग बट रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी। जो रो नॉट है, रो नॉट क्या है, रो नॉट होता है रेफरेंस रेजिस्टिविटी, है ना। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। ना ये रेफरेंस टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बट यू शुड नो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर, दैट यू कैन मेक इट एज अ, और यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस टेम्परेचर। नाउ टी नॉट की बात करते हैं, टी नॉट क्या है, टी नॉट है रेफरेंस टेम्परेचर। और टी क्या है, टी वो टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टिविटी अपने को कैलकुलेट करनी है, दिस इज टी, राइट। अब बात करते हैं एल्फा की, एल्फा क्या है भाई, एल्फा कुछ नहीं है, एल्फा इज अ कांस्टेंट, ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। और इसको अपन बोलते हैं, इसको क्या नाम क्या दिया है, इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये इसको नाम दिया गया। इस नाम को याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अपने को क्या है, लेट से एक वैल्यू दे रखी है कि भैया एट टी इक्वल्स टू सम टेम्परेचर T1, रो इक्वल्स टू रो 1 है। तो बताओ भाई टी इक्वल्स टू जब T2 हो जाएगा तो जो रो है ना वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, रो 2 इक्वल्स टू लिखेंगे रो 1 × 1 + α × T2 - T1, ये जो अपना फॉर्मूला नया बन जाएगा। अब इसमें मुझे रो 1 पता है, मुझे अल्फा पता होगा, मुझे T2 पता होगा, T1 पता होगा, तो रो 2 निकाल लेंगे। या फिर मुझे रो 2 पता होगा और T2 या T1 में से कुछ पूछ ले, या रो 1 में से कुछ पूछ ले, या अल्फा भी पूछ सकते हैं। तो इसमें से एक चीज़ अननोन होगी, बाकी सारी चीज़ें गिवन होगी, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। तो ये अपना हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी। नाउ इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या आती है, तो पहले तो समझो भाई पावर क्या होता है। पावर जिसको अपन इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर भी बोल देते हैं। पावर इज नथिंग बट V × I, इसका क्या मतलब है, देखो कोई इक्विपमेंट ले लो, दिस इज़ अ इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, ये आपके घर पे चलने वाला फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकता है, इट कैन बी अ रजिस्टर ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें करंट जाएगा
और करंट वापस आएगा। इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इसके अक्रॉस जो है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा यहाँ पे, सो वो वी होगा। और इसके अंदर अगर करंट आई जा रहा है तो इसके अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये सिंपल फॉर्मूला एक होता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनरली जो जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाती है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इट्स वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, वाई। तो अपने को पूछा है कि जब करंट इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, लेट से छत्तीसगढ़ में या झारखंड में लाइट बन रही है और वो राजस्थान आ रही है, तो उसको किस तरीके से वो लोग ट्रांसमिट करेंगे। होता क्या है कि ये जो वायर है, वायर भी एक तरीके का क्या है, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, है ना। वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, है ना। या फिर इसमें से क्या है, आई करंट फ्लो होगा, इसमें से आई करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो पावर लॉस्ट इन वायर, है ना, एज हीट, हीट की फॉर्म में जो पावर लॉस होती है वो क्या होगी, आई स्क्वायर आर हो जाएगी ना। तो अपने को पूछा है कि भाई ये जो पावर लॉस होता है, ये पावर लॉस जो है ये इसको मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली अपन वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, तो उससे ऐसी क्या चीज़ होती है कि ये जो पावर लॉस है वो कम हो जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या करो, एक डायग्राम देखते हैं। सो लेट्स से यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसको लिख देते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, तो करंट क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, लेट से ये कंज्यूम हो रहा है, दिस इज सम सिटी, ये एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा बॉक्स, और यहाँ पे क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आएगा। तो यहाँ से आई करंट जाएगा और यहाँ से आई करंट वापस आएगा। तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम हो रहा है, दिस पावर कंज्यूम, और आई वुड से कि ये जो पूरा ओवरऑल पावर कंज्यूम हो रहा है, पावर कंज्यूम ये वाला जो पावर है, दिस इज टोटल पावर, टोटल पावर कंजम्पशन। यहाँ पे आई कैन से कि भैया देखो करंट तो आई फ्लो हो रहा है एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी, तो टोटल पावर कंजम्पशन पी टोटल अगर मैं बोलूँ, इसको पी बोल देते हैं, दैट विल बिकम वी इंटू आई, राइट। नाउ ये जो है यहाँ पे, ये जो है इस वायर में, दिस इज वायर, ये क्या होगा, पावर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ये पावर लॉस्ट इन ट्रांसमिशन क्या है, ये जो ट्रांसमिशन के टाइम पे ये जो वायर है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, बिकॉज वायर ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस। नाउ सी, घरों में इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वायरिंग छोटा होता है, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जब किलोमीटर्स में आ जाती है वायर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पावर लॉस। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, तो भैया सबसे पहले तो ये देखो इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पावर को मैं लिख सकता हूँ भाई पावर लॉस इक्वल्स टू, इसको मैंने लेट से लिख दिया पी एल, पी लॉस इक्वल्स टू, क्या करेंगे, ये जो वायर है इसके अक्रॉस मान लो, इसके अक्रॉस नहीं, इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से आई करंट जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ पावर लॉस को, आई स्क्वायर आर पावर लॉस इन क्या हो गया, वायर।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आई इक्वल्स टू, ये मेरे पास इक्वेशन वन आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन टू आ गई। आई इक्वल्स टू क्या है, पी अपॉन, ये क्या है, पी टोटल, पी टोटल अपॉन वी, एंड वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कितने वोल्टेज का करंट जा रहा है वहाँ से, बोल सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस आई की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो पावर लॉस जो होगा, पी लॉस विल बी इक्वल्स टू पी टोटल स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है, दिस इज कांस्टेंट, टोटल पावर तो जनरेट हो रहा है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो है पावर लॉस है ना, पी लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग वी, अगर मैं वी को इंक्रीज करूं तो मेरा पावर लॉस कम हो जाएगा ना, एंड वी इज नथिंग बट, वी इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। हेंस इसका मतलब क्या हो गया, हेंस पोटेंशियल और वोल्टेज स्टेप अप, वोल्टेज स्टेप अप विल डिक्रीज पावर लॉस। सो गाइज, ये रीज़न है जो जब भी लॉन्ग डिस्टेंसेस या लंबी दूरी पे पावर ट्रांसमिट करी जाती है तो उस केस में क्या करते हैं कि जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर देते हैं, हाई वोल्टेज का करंट बना के भेजा जाता है, उसकी वजह से जो बीच के जो वायर होते हैं उसमें ट्रांसमिशन के टाइम पे जो पावर लॉस होता है वो पावर लॉस आपका कम हो जाता है। तो गाइस, आज का अपन लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। कल फिर हम 8 बजे मिलेंगे गाइस, डेली क्लास होगी 8 बजे, 8 PM डेली क्लास होगी, ये क्लास लाइव क्लास होगी। और आपको जो भी डाउट आते हैं, डाउट का क्या करना है भैया, डाउट को पूछना है अपने को कमेंट्स के अंदर। आपको और कोई भी चीज़ है, आपका कोई भी फीडबैक है, तो कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो डाउट के साथ साथ में फीडबैक, कमेंट्स, कुछ भी हो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब, ये क्लास डेली होगी, तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जब भी क्लास होगी, लाइव क्लास ऑलमोस्ट डेली होगी, है ना, डेली बेसिस पे होगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं आपके, और एग्ज़ाम होने के बाद में भी होती रहेगी। और ये क्लास आप रिविजिट भी कर सकते हैं कभी भी। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको लाइव क्लास जब भी होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा।